हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिव टेक स्मार्ट में। आज अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। गीगाबाइट का मदरबोर्ड है मेरे पास, जिसका मॉडल है X570UD अल्ट्रा ड्यूरेबल मदरबोर्ड आपको देखने को मिलेगा, और बोर्ड में देखते हैं एक गेमिंग मदरबोर्ड आपको ये देखने को मिलेगा। तो फिलहाल करता हूँ मैं बॉक्स की अनबॉक्सिंग और देखते हैं बॉक्स कॉन्टेंट में अपने को क्या क्या देखने को मिलता है और कैसे क्या ये मदरबोर्ड की परफॉर्मेंस रहेगी। तो फिलहाल करता हूँ मैं बॉक्स को ओपन, तो वीडियो में बनिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखो गीगाबाइट का अल्ट्रा ड्यूरेबल मदरबोर्ड है, और जो इसकी सबसे ज़्यादा हाईलाइट में मैंने अभी आपको फीचर्स में बता रहा हूँ आपको, इस पर जो बॉक्स पे एमआरपी दी हुई है वो है 23,500 रुपये बॉक्स पे एमआरपी दी हुई है। और ये मॉडल जो भी मैंने आपको बताया X570UD अल्ट्रा ड्यूरेबल मदरबोर्ड सॉकेट AM4 के साथ ये अवेलेबल है, और जो इसके सबसे ज़्यादा हाईलाइट फीचर्स हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखो जो AMD Ryzen 3000 डेस्कटॉप रेडी, इसका मतलब ये होता है आप इसमें सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन लगा सकते हो, और BIOS अपडेट करने के बाद में जब Ryzen फोर्थ जनरेशन में लॉन्च करेगा तो आप इसमें फोर्थ जनरेशन भी लगा सकते हो। PCIe 4.0 रेडी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। स्मार्ट फैन 5 का यहाँ फीचर्स दिया हुआ है, जैसे जैसे आपका PC हीट करेगा उसी प्रकार ये कूलिंग करते रहेंगे। और ये देखो AMD सॉकेट AM4 X570UD AMD Ryzen का ये मदरबोर्ड यहाँ देखने को मिल रहा है। और देखता हूँ फ्रेंड्स अपने को ये इसमें बॉक्स में और क्या क्या फीचर्स अपने को देखने को मिल रहे हैं। तो जो इसके मेन हाईलाइट फीचर्स हैं वो यहाँ दिए हुए हैं, 10+2 फेव्स डिजिटल VRM सॉल्यूशन विथ MOSFET यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है आपके जो ये VRAM है वो बहुत ताकतवर यहाँ मदरबोर्ड को बना रहे हैं। ये VRAM आपको कम पावर में भी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को यहाँ मिलेगी। PCIe 4.0 रेडी डिजाइन यहाँ दी हुई है। ये देखो इसमें 4.0 M.2 सपोर्टेबल रहेगी, आप हार्ड डिस्क में 4.0 तक आप इसमें लगा सकते हो। आपको इसमें गेमिंग के लिए बहुत अच्छी स्पीड यहाँ देखने को मिलेगी, आप लाइव स्ट्रीम करोगे तो भी आपको अच्छी स्पीड यहाँ प्रोवाइड करवाएगा। और स्मार्ट फैन के बारे में भी मैंने आपको मैन स्टार्टिंग में हाईलाइट में आपको बताया ही है। इसमें क्यूब फ्लैश प्लस यहाँ देखो ये BIOS का आपको ये फीचर्स यहाँ दिया हुआ है, आप इसमें USB लगा के और आपको डिस्प्ले लगाने की भी जरूरत नहीं है, और आप अपने मदरबोर्ड का BIOS अपडेट कर लोगे। और ये देखो सपोर्ट RGB लाइट स्ट्रिप इन फुल कलर्स, आपको इसमें RGB स्ट्रिप मिलेंगी नहीं बॉक्स के अंदर, ये देखो यहाँ हाईलाइट दिया हुआ है, और आप इसमें RGB लाइट RGB स्ट्रिप आप इसमें लगा सकते हो, जिसे RGB फ्यूजन नाम का एक गीगाबाइट का सॉफ्टवेयर आता है उससे आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। और इसमें देखो हाई क्वालिटी ऑन बोर्ड ऑडियो डिजाइन यहाँ दी हुई है, सॉलिड पिन पावर कनेक्टर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जो भी आप 24 पिन इसमें लगाओगे वो बहुत अच्छी क्वालिटी का ये देखने को मिलेगा। साथ ही हमें फ्रेंड्स यहाँ मिल जाती है ह्यूमिडिटी प्रोटेक्शन ग्लास फैब्रिक PCB, और देखते हैं बॉक्स कंटेंट में अपने को क्या क्या देखने को मिलता है। फिलहाल बॉक्स को करता हूँ मैं ओपन, तो फ्रेंड्स बॉक्स को करता हूँ मैं ओपन और मदरबोर्ड का क्या लुक है वो मैं फर्स्ट लुक आपको दिखाना चाहता हूँ। फिलहाल बोर्ड को रखता हूँ मैं थोड़ा सा साइड में और देखते हैं अपने को बॉक्स कंटेंट में क्या क्या देखने को मिलता है। ये इसके कवर के लिए आया है, इसको मैं फेंक देता हूँ। ये मदरबोर्ड का X570UD का यूजर मैनुअल है, और ये है इसकी साटा पावर केबलें, जो क्वालिटी बहुत अच्छी यहाँ देखने को मिल रही है मेरे को। ये देखो साटा केबलों की ये यहाँ अपने को मिल जाती है IO शील्ड, और जैसा कि मैंने जैसे पिछले वीडियो बनाया था 570 ओरस गेमिंग वाला मदरबोर्ड था उसमें मेरे को ये इनबिल्ट देखने को मिल रही थी, ये अलग से यहाँ देखने को मिली है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ये कंपनी CD क्यों बनाती है समझ में नहीं आता है, कंपनी पैसे वेस्ट कर रही है, उसको सोच लेना चाहिए। इस टेक्निकल ज़माने में CD को परमानेंट बंद कर देना चाहिए, CD की ज़रूरत ही नहीं है वैसे भी, फिर भी कंपनी का पैसा है वो अपने हिसाब से जाने। इनको रखता हूँ मैं साइड में और देखता हूँ मदरबोर्ड में अपने को क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे। फिलहाल मैं बोर्ड को कर रहा हूँ ओपन, तो फ्रेंड्स मदरबोर्ड आपके सामने है, मैं एक एक करके आपको फीचर्स के बारे में बताता हूँ कैसी क्या क्वालिटी अपने को मिलेगी। ये देखो स्टार्टिंग में यहाँ AM4 का सॉकेट यहाँ देखने को मिलता है, AM4 सॉकेट का भी फ़र्क जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। और मैं स्टार्टिंग करता हूँ रैम के स्लॉट से, ये इसमें आपको 4 रैम के स्लॉट यहाँ देखने को मिलते हैं, आप इसमें 8 GB 16 GB 64 GB तक ये सपोर्टेड रहेगा, आप इसमें 64 GB DDR4 रैम लगा सकते हो। ये देखो यहाँ 10+2 VRAM यहाँ अपने को देखने को मिलती हैं, और कम पावर में भी अपने को ये बोर्ड को बहुत ताकतवर बनाए रखेंगे। और ये देखो हीट सिंक के लिए यहाँ दिया हुआ है कूलिंग के लिए, ये कूलिंग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये अपने मदरबोर्ड को करेंगी। और मैं बढ़ता हूँ इसके पोर्ट्स की तरफ और मैं आपको बताता हूँ
ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ आपको 2.0 के दो यूएसबी पोर्ट मिल जाएंगे और PS2 आप इसमें यहाँ माउस भी लगा सकते हो और आप यहाँ कीबोर्ड भी लगा सकते हो। ये फीचर्स बहुत टाइम बाद यहाँ मेरे को देखने को मिल रहा है यहाँ। और यहाँ साथ में आपको मिल जाता है HDMI पोर्ट और यहाँ मिलते हैं आपको 3.0 के USB। यहाँ आपको मिल जाता है बायोस अपडेट के लिए ये देखो USB पोर्ट और ये साथ में है बटन। जब भी आपको बायोस अपडेट करना हो तो आपको ये USB यहाँ लगा के और बटन को प्रेस कर देना है, बायोस अपडेट हो जाएगा आपका। और ये देखो 3.0 के यहाँ USB पोर्ट यहाँ दो और दिए हुए हैं। कुल मिला के टोटल मदरबोर्ड में 3 USB पोर्ट हो गए हैं। और साथ में ये यहाँ मिलता है आपको एथरलैन, यहाँ आपको अच्छी स्पीड प्रोवाइड करवाएगा। और ये देखो ऑडियो के 5-in-1 ऑडियो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ऑडियो के लिए केबल आपको यहाँ लगानी है। और ये देखो यहाँ आपको USB पोर्ट के यहाँ दो पोर्ट, USB पोर्ट के लिए आपको यहाँ केबल लगा सकते हो। और आपको 3.0 USB जो लगाना है वो केबल आपको यहाँ लगानी है। और साथ में दो दो USB 3.0 यहाँ दिए हुए हैं और ये दिए हुए हैं पिने, पावर प्लस, रिस्टार्ट PC, पावर ऑन ऑफ, लाइटिंग वगैरह के लिए ये आप यहाँ लगा सकते हो। ये स्मार्ट फैन 5 यहाँ आपने को देखने को मिल रहा है जो अपने चिप को बहुत, अपने PC को बहुत अच्छे से कूलिंग रखेगा। ये देखो यहाँ इधर दिए हुए हैं साटा पोर्ट, आपको यहाँ 6 पोर्ट साटा के देखने को मिलेंगे। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ये 24 पिनों का कनेक्टर ये ऐसे क्यों आता है समझ में नहीं आता है। अब कंपनी अपने हिसाब से बना रही है, लेकिन मेरा सजेशन तो ये रहेगा जैसे ये 6 पिन SATA की हैं उसी हिसाब से साइड में दे दिया जाए तो कुछ अलग ही लुकिंग अपने को देखने को मिलेगी। यहाँ आप लगा सकते हो M.2 SSD और जो स्टील का ये देखो यहाँ आप लगा सकते हो ग्राफिक्स कार्ड। ये देखो मैंने जैसे उस मदरबोर्ड में आपको अल्ट्रा गेमिंग वाले मदरबोर्ड में X570 में बताए थे, उसमें 3 पोर्ट थे स्टील के, लेकिन इसमें स्टील का सिंगल पोर्ट ही अपने को यहाँ देखने को मिल रहा है। आप ग्राफिक्स कार्ड इसमें भी लगा सकते हो और दूसरा ग्राफिक्स कार्ड आप यहाँ लगा सकते हो, दो ग्राफिक्स कार्ड आप इसमें प्रॉपर लगा सकते हो। दो पोर्ट आपको यहाँ मिलते हैं SATA SSD के लिए। और मदरबोर्ड में क्या बताऊँ, बहुत अच्छी क्वालिटी का मेरे को यहाँ देखने को मिल रहा है। M.4 सॉकेट के साथ ये मदरबोर्ड कंप्लीट हो रहा है यहाँ। और मैं आपको इसमें प्रोसेसर लगा के दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रोसेसर मैं इसमें इंसर्ट करने जा रहा हूँ, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाले जो ये 4 सॉकेट आते हैं ये देखो थोड़े पास पास में होते हैं, ये M.4 के सॉकेट होते हैं और इन्हीं के हिसाब से इसको प्रॉपर लगाना है। और आपको यहाँ देखना है 3E कट, ये देखो यहाँ अपने को देखने को मिल रहा है ये वाला लोगो, और ये लोगो अपने मदरबोर्ड में यहाँ अपने को देखने को मिल रहा है, तो ये लोगो यहाँ देखने को मिल रहा है। तो मैं प्रोसेसर को लगाता हूँ फिलहाल। जैसे ही प्रोसेसर को आप इसके ऊपर रखोगे ये ऑटोमेटिकली मदरबोर्ड में चला जाएगा। ये देखो जैसे ही मैंने प्रोसेसर को, ये देखो मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, अब आप लोग बोल रहे होंगे कि यार क्या बार बार में अपने को बता रहा है, लेकिन ये कोई 10 रुपये का प्रोडक्ट नहीं है फ्रेंड्स, 16,000 का प्रोसेसर है। और आने वाले टाइम में कभी भी आप बहुत भारी प्रोसेसर भी परचेज करोगे, ये देखो मैं इस M.4 सॉकेट के ऊपर ऐसे हल्का सा ही रखूँगा और ये ऑटोमेटिकली इसमें चला जाएगा। ये देखो ये ऑटोमेटिकली ही चला जाता है, और ये ऑटोमेटिकली तभी जाता है जब आप इसे प्रॉपर तरीके से अपने प्रोसेस ये मदरबोर्ड में प्रोसेसर को आप इंसर्ट करते हो। और बहुत सारे केस मेरे सामने आते हैं तब मैं बताता हूँ। अभी ये प्रोसेसर, ये AMD का देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम तो मैं आपको बताऊँ, ये AMD को बंद कर देना चाहिए पिनों का सिस्टम, क्योंकि पिने हल्का सा ही अपने हाथ से गिर जाए तो ये यूँ मान के चलो अपने 16,000 रुपये वेस्ट हो गए हैं। कंपनी को बंद कर देना चाहिए, इंटेल के जैसे प्रोसेसर आते हैं उस हिसाब से प्रोसेसर बनाने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था मदरबोर्ड गीगाबाइट का X570UD अल्ट्रा ड्यूरेबल मदरबोर्ड, जो मैंने एक एक फीचर्स आपको इसमें बताए हैं। और आगे मैं इसका जब मैं PC बिल्ड करूंगा इसको, तो तब मैं आपको इसकी स्पीड टेस्ट, ऑडियो टेस्टिंग, कैसे ये ऑडियो अपने को इसमें देखने को मिलेगी और इसमें ग्राफिक्स कार्ड में कैसे ये परफॉर्मेंस करेगा, एडिटिंग, गेमिंग, आने वाली वीडियो में मैं आपको इसमें ये सब कुछ टेस्टिंग कराऊंगा। फिलहाल बस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।